है ना, आपने मायावती जी का भी शासन देख लिया, अखिलेश यादव का भी देखा था, अब योगी आदित्यनाथ जी के भी देख चुके हैं, तो क्या लगा है तीनों सरकारों में सबसे बेस्ट सरकार कौन सी रही? सबसे बेस्ट सरकार की तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, जो बेस्ट सरकार पर नहीं होता है, जाति और धर्म पर होता है। हाँ। और आज भी चुनाव जाति और धर्म पर है, कोई भी मुद्दा नहीं है। हाँ। कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, केवल मुद्दा है तो वो जाति और धर्म है। हाँ। केवल जाति और धर्म पर वोट होगा, कोई भी मुद्दा नहीं है, कैसा भी मुद्दा नहीं है। न कोई सिंचाई का मुद्दा है, न कोई शिक्षा का मुद्दा है, न पढ़ाई का मुद्दा है, न किसान का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है तो केवल जाति और धर्म पे है। जो जितनी जातियों को अपने पक्ष में कर लेगा वो चुनाव जीत जाएगा। अमित जी, आपने बोला कि कोई मुद्दा नहीं है, तो आपके हिसाब से जो है चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए जिससे आप लोगों को फायदा मिल सके, आम जो नागरिक है उनको फायदा मिल सके, क्या मुद्दा होना चाहिए? अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा चिकित्सा होना चाहिए और किसान के लिए अच्छा होना चाहिए। सबसे अच्छा अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा होना चाहिए केवल, और कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा पे और शिक्षा स्वास्थ्य पे। हाँ। सबसे अच्छा होना चाहिए शिक्षा और चिकित्सा। हाँ, दो चीज फ्री होना चाहिए, उसके बाद कोई भी फ्री नहीं चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा बन रहा है कुछ बताइए? चुनाव में मुद्दा तो केवल जातवाद है, चुनाव में और कोई मुद्दा है ही नहीं। कोई मुद्दा है ही नहीं। जाति और धर्म पे चुनाव हो रहा है, केवल जाति और धर्म पे, तो कोई भी मुद्दा नहीं है। कैंडिडेट गांव-गांव घूमते हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं इन बातों को बोलते हैं कि हमें ये सब चीज चाहिए? कोई भी कुछ भी बोले, आज से 3 महीने पहले तक मुद्दे थे, अब 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद तो कैंडिडेट जैसे ही कैंडिडेट आए सब अपने अपने जाति और धर्म के कैंडिडेटों के लिए शिफ्ट हो गए। हाँ। सब मुद्दा भूल गए, किसान अपना मुद्दा भूल गए, बेरोजगार भी अपना मुद्दा भूल गए, केवल जाति और धर्म पर चुनाव हो रहा है, लोग जाति और धर्म को देख रहे हैं। यहाँ मेरी जाति का कैंडिडेट है वहाँ उसको वोट कर रहे हैं, वहाँ मेरे धर्म का कैंडिडेट है उस पर वोट कर रहे हैं, और कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दाओं को भूल गए हैं आम जनता, पूरा चुनाव जाति और धर्म पर होगा, पूरा चुनाव। और फिर अब फिर उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आएगा फिर क्या होगा? फिर वही होगा। शिक्षित है ही नहीं, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे जब तक चुनाव जाति और धर्म पर होता रहेगा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई में क्या करते हैं? पढ़ाई में मैंने बीएड कर रखा है। बेरोजगार हूँ, अभी भी बेरोजगार हूँ, लेकिन चुनाव जाति और धर्म पे होगा। भाई ब्राह्मण हूँ, जहाँ वोट मान्य होगा वहाँ वोट देना होगा, मजबूरी है। तो इतनी पढ़ाई लिखाई आपने कर ली, और आप जैसे लोगों को, युवाओं का जो है, जब रोजगार नहीं मिलता तो आपके लोगों के मन में चलता क्या होगा? क्योंकि चुनाव तो ऐसे ही फिर आता है फिर निकल जाता है। कुछ नहीं, लास्ट टाइम तक चुनाव से पहले तक मन में सब कुछ चलता है। हाँ। लेकिन जब चुनाव का टाइम आ जाता है, पार्टी अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर देती है, अपने अपने जाति और धर्म पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं, कोई कुछ मुद्दा नहीं रहता, उसके बावजूद 5 साल सोचते रहते हैं। जब तक शिक्षित लोग नहीं होंगे, जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी, देश का परिवर्तन नहीं होगा। शिक्षा पे ध्यान सबसे जरूरी है, शिक्षित लोग नहीं होंगे जब तक जाति और धर्म पर चुनाव होता रहेगा। 5 साल में आपके गांव में कितने लोगों की मतलब रोजगारी से लेकर के रोजगार के मामले में लगभग सभी सरकार ऐसी हैं। सभी जाति और धर्म पर सभी सरकारों का यही हाल है। मैंने कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को कुछ लोग लाना चाहते हैं लेकिन नहीं आना चाहती है। ये तीनों सरकारें मैंने देखी है, शिक्षा के मामले में सब एक ही है, तीनों फेल है। शिक्षा के मामले में किसी ने नहीं ध्यान दिया, सब जाति और विशेष पर धर्म, तीनों सरकारों ने दिया है। कांग्रेस की सरकार मैंने अपनी जिंदगी समय में नहीं देखी उत्तर प्रदेश में, और तीनों सरकारें रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में फेल हैं, चिकित्सा के मामले में तीनों सरकार फेल हैं। फिर भी चुनाव जातिवाद पर हो रहा है, क्योंकि वो 5 साल में सक्षम हैं कि हमें बच्चों को शिक्षित नहीं होने देना है, बच्चे नहीं पढ़ाने, अगर शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो अपनी अच्छी सरकार, अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? अमित चतुर्वेदी। अमित जी, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है, पहले चरण के ठीक 2-4 दिन पहले ही जो है बजट पास हुआ था, उस बजट के दौरान जो है शिक्षा से रिलेटेड भी रखा गया था, किसानों से रिलेटेड भी सब कुछ रखा गया था, है ना, और उत्तर प्रदेश में भी जो है बताया जाता है कि युवाओं के लिए जो है मतलब अगर सत्ता आती भी है या फिर जो है पहले से जो मैनिफेस्टो जो पूरा तैयार था, जो आप लोगों के लिए जो टैबलेट पढ़ाई के लिए जो है मोबाइल फ़ोन सब कुछ मिलने वाला था, जो डिजिटल के थ्रू जोड़ने की बातचीत की जा रही थी, चाहे आप जैसे युवा साथी हो चाहे किसान भाई हो, तो क्या लगता है कि वो बता रहे हैं कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए जो है डिजिटलाइजेशन जोड़ने की बातचीत की? पीढ़ी दर पीढ़ी बजट में बढ़ाया क्या है? MSP पे खरीद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बजट में पहले से भी कम पैसा है, खरीदेंगे कैसे MSP पे? शिक्षा में पहले से, शिक्षा में 6% बजट कर रहे थे, लेकिन शिक्षा का बजट भी कम कर दिया है।
जब शिक्षा का बजट ही कम कर दिया तो कहने से क्या हो रहा है, पैसा नहीं दोगे तुम, फंड नहीं करोगे तो उसके बाद कैसे एमएसपी पे खरीदने से क्या कैसे हो जाएगी कि जब पैसा ही नहीं दिया बजट में, तो शिक्षा में बजट में पैसा ही नहीं बढ़ाया है तो शिक्षा सुधर कैसे जाएगी। इस बजट से आपको कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, बजट में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसानों को कुछ मिला? किसानों का बजट और कम कर दिया एमएसपी खरीदने के लिए, किसानों को क्या क्या, कुछ नहीं, पहले से और कम हो, और कम है बजट, शिक्षा के लिए भी बजट और कम है। मुंह से बोलने से कुछ और नहीं होता है, शिक्षा पर भी बजट कम है, किसानों के लिए भी बजट कम है। तो अब आप लोगों का चुनाव देने का समय है, रिजल्ट की भी तारीखें तय की गई हैं, तो मन में कुछ तो चल रहा होगा ना? मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, जो सब जाति धर्म पे चल रहे हैं तो हम भी जाति धर्म पे वोटिंग करेंगे, कुछ नहीं है मन में, तो सब लोग सब मुद्दों को भूल गए, हम भी मुद्दा भूल गए। जब सब हमारे साथ नहीं आ रहे हैं तो हम उनके साथ क्यों जाएं? जब सब लोग अपनी अपनी सिचुएशन पे लगे हुए हैं, जाति और धर्म पे बटे हुए हैं, तो हम भी अपनी जाति और धर्म पे फिर मजबूरन वोट करते हैं। सब लोग बदल के जाएंगे उधर साइड, तो फिर हम भी उधर साइड ही वोटिंग करते हैं।